नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। खबर गोंडा पुलिस से संबंधित है, जहां पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा शिवराज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम के नेतृत्व में साइबर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षकों व थानाध्यक्षों के अतिरिक्त साइबर सेल प्रभारी को दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में साइबर सेल व थाना कोतवाली देहात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा साइबर अपराध में सहयोग करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों में मोहम्मद फिजूल शेख, सफीर उल शेख, जब्बार उल मेला, हबीबुल शेख विकास उर्फ गयासुद्दीन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही पर चोरी व छिनैती के 369 अदद एंड्राइड मल्टीमीडिया व कीपैड फोन व टैबलेट विभिन्न कंपनियों के बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोग सस्ते दाम पर लोगों से चोरी के व पुराने मोबाइल खरीदते हैं और यहां उसके पार्ट्स अलग कर पश्चिम बंगाल ले जाकर पुनः असेंबल कर महंगे दामों में बेचते हैं। वहां पर लोग आसानी से खरीद लेते हैं, वो अपना नाम पता नहीं बताते हैं, परंतु वे लोग इन मोबाइलों का पुनः उपयोग कर विभिन्न लोगों को कॉल कर अपने अपने तरीकों से लोगों के बैंक डिटेल की जानकारी करके उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। फिलहाल गिरफ्तार किए गए 5 अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त पश्चिम बंगाल के हैं। आइए देखते हैं उक्त मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज का क्या कहना है। गोंडा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो साइबर सेल है और सरलाल सेल जनपद की, इसके द्वारा गुमशुदा और चोरी के मोबाइल जो सूचना मिलती है उनको बरामदगी करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी के क्रम में इनके द्वारा कोतवाली देहात पुलिस के साथ मिलकर के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें नाम है फजूल शेख है, अबीद है, गयासुद्दीन है, जब्बार है और सफीरुल शेख है। ये 5 लोग हैं मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और इनकी जो बॉर्डर सप्रेंडी प्रथम दृष्टा नज़र आई है, ये को भी चोरी के या छिनैती के या अनुपयुक्त मोबाइल जो कम दामों पर ले करके इनको डाइवर्ट कर रहे थे वहाँ पर अपने पश्चिम बंगाल में। और इस पर ये भी जानकारी मिली, प्रथम दृष्टा जानकारी की गई है कि इनके द्वारा ये जो अच्छे मोबाइल होते थे ये कुछ लोग इनसे ले लेते थे और वो जो है साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में इस्तेमाल करते थे और जो कुछ मोबाइल्स के जो मेमोरी से डाटा निकाल करके उनके जो सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो यूजर्स के रहते थे उनको निकाल करके अगले साइबर अपराधों में इस्तेमाल करते थे और कुछ जो बचता था कमान उसको किलो के दाम में बेचते थे। फिलहाल इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर मानी जाने के समय प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें पूरी जानकारी की जा रही है कि आखिर इन मोबाइलों का क्या उपयोग हो रहा था, इस संबंध में और भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें यही बताना है कि जो आपके पास जो भी अनुपयुक्त मोबाइल घरों में है वो किसी गलत हाथ में ना पड़ने दें और जो भी है ये अगर कोई मोबाइल आपको मिल रहा है किसी भी तरह का तो उसको पुलिस को वापस लौटा दें। इस तरह का इसका क्योंकि इससे आपकी जो भी यूजर्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन का दुरुपयोग हो सकता है। फिलहाल इस प्रकरण में और भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।